पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आज़ाद कश्मीर के सदर बैसर सुल्तान महमूद चौधरी के एजाज़ में दीर कोर्ट में सबा शमशाद एडवोकेट की तरफ से इस्तकबालिया तकरीब का इनेकाद किया गया। इस्तकबालिया तकरीब में पीटीआई कश्मीर खवातीन विंग की बड़ी तादाद में शिरकत। सबा शमशाद एडवोकेट की तरफ से दिए गए इस्तकबालिया से खिताब करते हुए पीटीआई कश्मीर के सदर बैसर सुल्तान महमूद चौधरी ने कहा है कि पीटीआई कश्मीर इकतदार में आकर खवातीन को असम्बली में 33% नुमाइंदगी देगी। इसी तरह वज़ीर आज़म इमरान खान के विजन के मुताबिक ख्वातीन को माशरे में फ़ाल किरदार अदा करने के लिए आगे लाया जाएगा। ख्वातीन को हेल्थ कार्ड, एहसास प्रोग्राम और बिला सूद कर्जे भी दिए जाएंगे ताकि वो अपना बेहतर किरदार अदा कर सकें, ख्वातीन आगे बढ़ें और दीगर ख्वातीन के हकूक के लिए अपना मौसर रोल अदा करें। मुख्तसर नोटिस पर ख्वातीन की इस कदर बड़ी तादाद में शिरकत जाहिर करती है कि वज़ीर आज़म इमरान खान का विजन ख्वातीन में मकबूलियत इख्तियार कर चुका है। और आज आप इतनी ख्वातीन मुख्तसर से नोटिस पे चंद घंटों के नोटिस पर तशरीफ ले आई हैं और ये हमारे कायद इमरान खान और पीटीआई की मकबूलियत इससे ज़ाहिर होती है कि आज़ाद कश्मीर के तमाम लोग, चाहे वो मर्द हों, ख्वातीन हों, बच्चे हों, बुज़ुर्ग हों, सब इमरान खान की क़यादत में मुतहद हो चुके हैं। तो मैं आज दो तीन बातें करूंगा। पहली बात तो ये, जिस तरह इम्तियाज़ नसीब साहिबा ने कहा कि ख्वातीन की नशिस्तों में इजाफा होना चाहिए और हमारी पार्टी की सेक्रेटरी जनरल गुलजार फातिमा ने जवाब दे दिया है कि ये हमारे मंशूर में है पीटीआई कश्मीर के, कि जिस तरह पाकिस्तान में पहले तय हुआ था कि 33% कोटा ख्वातीन को मिलना चाहिए, तो इसी तरह आज़ाद कश्मीर में भी मिलना चाहिए।